अपर मुख्य गृह सचिव अवनाश अवस्थी अपने टीम के साथ बांदा पहुंचे। हेलीकॉप्टर से बांदा पहुंचे अपर मुख्य गृह सचिव ने कहा, कालीजर में टूरिस्ट थाना और गुड मॉर्निंग पुलिसिंग अहम पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक के बाद तालाब के निरीक्षण व पौधे रोपण किया। मीडिया से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव श्री अवस्थी ने कहा कि इस सड़क के लिए अब तक 90% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, बाकी 10% अधिग्रहण भी आने वाले 2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए संभावना है कि 2 माह में सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उनके साथ आईयूपी डॉक्टर टीम ने रविवार को भी भूमि अधिग्रहण की अन्य बारीकियां भी देखी। गृह सचिव हेलीकॉप्टर से यहां पुलिस लाइन पहुंचे। उनके द्वारा यहां पूजा अर्चना के बाद पौधारोपण भी किया गया। ऐतिहासिक कालीजर किले में बनेगा टूरिस्ट पुलिस थाना। अपर मुख्य सचिव ने कहा, बुंदेलखंड की पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर उनकी DGIG दीपक कुमार से विस्तार से बात हुई है। यहाँ की पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के साथ ही ढांचागत सुधार की दिशा में पहले की जाएगी। इसके साथ ही महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में नए थानों को बनाने और भवन आदि के निर्माण में पहले की जाएगी। उन्होंने कहा कि बांदा के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह द्वारा जिले में गुड मॉर्निंग पुलिसिंग की जो पहले की गई है, पुलिस और जनता के बीच आपसी तालमेल सुधरता है। कहा कि डिटेल वह अपने साथ ले जा रहे हैं और गृह सचिव होने के नाते पर प्रदेश में इसे लागू करने का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक की इसलिए प्रशंसा भी की। अपर मुख्य सचिव ने बांदा DM द्वारा तालाबों की खुदाई और पौधारोपण को लेकर बढ़ावा देने की पहले भी सराहना की। उन्होंने सलाह दी है कि एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान जो मिट्टी उठेगी उसे भी तालाब खुदाई के दौरान सुदृढ़ता के काम लाया जा सकता है। इस दौरान कमिश्नर DIEG SP और DM हरिलाल, ADM सिटी मजिस्ट्रेट, CO सिटी, SDM तहसील द्वारा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।